हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज प्रोनो। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि DFCCL का एग्जाम डेट आ चुका है 27, 28, 29 एंड 30 सितंबर। तो मेरा चैनल में जो चल रहा था एक मिक्स क्वेश्चन सीरीज इलेक्ट्रिकल का, तो 5 क्लास अपलोड हो चुका है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, या तो EMCQ एक प्लेलिस्ट है उसमें भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। आज है क्लास नंबर 6। तो 6 में आप क्या क्या क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंग टू DFCCL एग्जाम में जितना भी आता है, सर्किट मशीन मेजरमेंट या आपका कंट्रोल सिस्टम, मेटेरियल साइंस, सबका मिस्ड क्वेश्चन हम लाए हैं। तो चलिए आज का वीडियो आप लोग देख लीजिए, और अभी तक भी अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। पूरा क्लास आप लोग फॉलो कीजिए, जितना दिन एग्जाम नहीं हो जा रहा है DFCCL का कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्क्रीन में एक पहला क्वेश्चन क्या है, डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है, लेकिन स्क्रीन में क्वेश्चन है आपका, द करेंट वेवफॉर्म IT इन ए प्योर रेजिस्टर ऑफ 20 ओम इज शोन इन द फिगर, द पावर डिसिपेट इन द रेजिस्टर इज, जो रेजिस्टर है 20 ओम का, वो 20 ओम रेजिस्टर से कितना पावर डिसिपेट हो रहा है वो आप लोगों को निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक जो डायग्राम दिया है, मतलब जो फिगर दिया है, देखिए फिगर में क्या है, ये तो है आप लोगों को पता है वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, और ये जो डायग्राम है ये ट्रायंगल की तरह एक डायग्राम दिया है। ये जो एक्सिस है इसको IT कहा जाता है, IT यहाँ पर मेंशन किया है, और ये जो एक्सिस इसको T से मेंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है आप लोगों को पावर डिसिपेट और रेजिस्टेंस कितना बोल दिया है, रेजिस्टेंस बोला है 20 ओम, और पावर डिसिपेट अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, I² × R। तो रेजिस्टेंस तो आप लोगों के पास है, लेकिन I² मतलब RMS वैल्यू, ये जो डायग्राम से आप लोगों को निकालना है RMS वैल्यू, ठीक है। क्या निकालना है, RMS वैल्यू। तो अगर RMS वैल्यू निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो पहले हम बता देते हैं। IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर ऑफ, मतलब RMS अगर वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/T इंटीग्रेशन 0 to T I²t dt, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या निकालना है, I² का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, उसके बाद बैठाना है, फिर जो I²RMS का वैल्यू, IRMS का वैल्यू आएगा वो यहाँ पर बैठा के कैलकुलेशन करना है, ठीक है। वो एग्जाम में अगर ये सब दे देता है तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। कब कर पाएंगे, जब आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ये सब क्वेश्चन देख के थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो टी क्या है, टी देखिए मतलब एक जो साइकिल है कब रिपीट कर रहा है, ये जो ट्राइंगल है रिपीट कब कर रहा है, यहाँ पर 3 में रिपीट कर रहा है, 0 से 3 जो टाइम है उसी को कहा जाता है टी। तो टी का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए टी का जगह हम लोग लिखेंगे 1/3, एंड रेंज कितना होगा, रेंज मतलब 0 से T कितना होगा, 0 से T होगा आपका 3, क्योंकि हम क्या बोले टी मतलब एक जो साइकिल है, मतलब एक जो ये जो ट्राइंगल है कब रिपीट कर रहा है दूसरा टाइम। देखिए पहला टाइम ये तो यहाँ तक हो गया, फिर 3 से 3 रिपीट कर रहा है 6, 3 से 6 गैप कितना है 3, फिर 6 से 9 कितना गैप है 3, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया कि टी क्या है, लेकिन यहाँ पर I² कैसे निकालेंगे। देखिए I² निकालने के लिए एक चीज करना पड़ता है, आप लोग को आई होप पता है जो स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्मूला होता है, स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Y = mx + c। तो Y = m × x, यहाँ पर आप लोग को बैठाना है, उसका बाद निकालना है। तो वाई यहाँ पर क्या है, देखिए एम क्या है, एम है आपका स्लोप या ग्रेडियंट, जिसको ढाल कहा जाता है, इसको ढाल कहा जाता है, उसको कहा जाता है एम मतलब स्लोप, ठीक है। तो स्लोप मतलब कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में है आपका IT का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तब यहाँ पर बैठाने से तब यहाँ पर हम लोग बैठा पाएंगे। IT का वैल्यू निकालते हैं, IT = m का वैल्यू कितना होगा, m = क्या होता है tan थीटा, m = होता है tan थीटा, वो बाद में हम लिख रहे हैं, × x, एक्स एक्सिस में क्या है t, ठीक है। तो tan थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, देखिए ये है मैक्सिमम आपका, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 9, एंड बेस कितना है, बेस आपका है 3। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इनटू टी, मतलब IT का वैल्यू कितना है, IT का वैल्यू है आपका 3t। तो यहां पर आप लोगों को क्या बैठाना है, IT का वैल्यू 3t, मतलब 3t² × dt ये होगा। तो देखिए अब हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 इंटीग्रेशन 0 to 3, फिर क्या IT का जगह क्या बैठाएंगे हम लोग, 3t² × dt। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 1/3 0 to 3 3t² मतलब क्या होगा, 9t²
डिग्री, ठीक है। अगर 90 स्क्वायर का यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, 90 स्क्वायर का क्या करना है, 90 स्क्वायर का आप लोगों को करना है इंटीग्रेशन। तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, ये तो है कॉन्स्टेंट पार्ट 9, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो अगर बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, 9 को बाहर निकाल लेंगे तो ऊपर चल जाएगा 9/3 इंटीग्रेशन 0 to 3 टी स्क्वायर डी टी। तो टी स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, अगर आप लोग नहीं जानते इंटीग्रेशन तो एक बार 11 या 12 का मैथ आप लोग देख सकते हैं, बेसिक खाली देख सकते हैं। तो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 3 3 जा 9 मतलब 3, फिर टी स्क्वायर क्या हो जाता है, टी क्यू अपॉन 3 होल 0 3, ठीक है। ये होता है आपका इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, उसके बाद अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, नीचे क्वेश्चन है इसलिए नीचे हम नहीं कर रहे, ये अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो क्या होगा देखिए, 3 into t का जाएगा, एक बार 3 बैठाएंगे एक बार t का जाएगा 0 बैठाएंगे। तो अगर रूट ओवर ऑफ 3 है, यहाँ पर 3 बैठाएंगे तो कितना होगा, 3 cube 27 27 upon 3 9 9 माइनस, अगर 0 यहाँ पर बैठाएंगे तो 0 upon 3 0, तो 9 minus 0 तो इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 9 minus 0 मतलब 9 9 into 3 27। तो मेरा IRMS का वैल्यू कितना निकल गया है, IRMS का वैल्यू मेरा निकल गया 27। अब इस फॉर्मूला में आई स्क्वायर का वैल्यू बैठा देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो क्या है देखिए, आई स्क्वायर का वैल्यू अगर बैठाते हैं तो √27, क्योंकि हम लोग को निकालने बोला है पावर डिसिपेट इनटू आर, कितना यहां पर दिया है क्वेश्चन में 20, तो 27 होल स्क्वायर होता है 27 इनटू 20, 27 टू जा कितना होता है 54 मतलब 5401, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को कैलकुलेशन करना है, अगर कैलकुलेशन कर पाएंगे तो इजीली आप लोग दे पाएंगे, ऐसे कोई टफ नहीं है। अगर आप लोग ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 540 वाट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 600 वोल्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टमीटर हैज एन एक्यूरेसी ऑफ ±10%। एक 600 वोल्ट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टमीटर है, उसका एक्यूरेसी दिया है ±10%। When it reaches 420 volt, मतलब 420 volt क्या है? Measured value. Measured value अगर 420 volt है, तो actual voltage कितना होगा यहाँ पर? इसको करने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है? Actually यहाँ पर error अगर आप लोग निकाल लेंगे, 10% जो दिया है, plus minus 10%, अगर आप लोग error निकाल लेंगे, तो easily हो जाएगा। तो देखिए error कैसे निकालेंगे? Total voltage कितना है? Error अगर निकालता है, error, total voltage है 600, और कितना है प्लस माइनस 10%, तो 10/100 करेंगे, प्लस माइनस 10% वो आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। 0 0 6 10 60 60 क्या होगा आपका, प्लस माइनस 60 वोल्ट, मतलब टोटल वोल्टेज कितना है आपका, मेजर वैल्यू कितना है, मेजर वैल्यू है आपका 420 वोल्ट, प्लस माइनस 60 वोल्ट। अगर मतलब एक बार प्लस करेंगे और एक बार अगर माइनस करेंगे तो मेरा एक्चुअल वोल्टेज निकल जाएगा। तो 420 प्लस 60 मतलब 480 वोल्ट। अगर 420 माइनस 60 करेंगे तो कितना होगा, 360 वोल्ट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 360 वोल्ट एंड 480 वोल्ट इज द एक्चुअल वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1101101। तो डेसिमल इक्विवेलेंट मतलब ये दिया किसमें है, यह है आपका बाइनरी में, बाइनरी में से आप लोगों को क्या किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल, या हम पहले सिखा चुके हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग, ये इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। जो पहला क्वेश्चन किए वो पहला क्वेश्चन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग करिए, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा वो क्वेश्चन। 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। ये है आपका बाइनरी में, कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में है कन्वर्ट करना है आप लोगों को डेसीमेल में, ठीक है। अगर डेसीमेल में कन्वर्ट करते तो कैसे करेंगे, देखिए 1 1 0 1 1 0, ठीक है। तो देखिए जब डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं देखिए, पहले 0 ये 1 2 हम सिखा चुके हैं पहले, 3 4 5 6 7, ठीक है। ये पहले हम लोग राइट से लेफ्ट में लिख लेंगे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या पहला कितना है, 1 1 into बेस कितना है, 2 2 to the power कितना होगा, 7 7 में आया आप लोगों को। दूसरा क्या होगा, 1 into 2 to the power 6 प्लस, तीसरा क्या होगा, 0 into 2 to the power 5 प्लस 1 into 2 to the power 4 प्लस 1 into 2 to the power 3 प्लस 1 into 2 to the power 2 प्लस 0 into 2 to the power 1 प्लस 1 into
2 to the power 0। बस इसको आप लोग खाली ऐड कर लीजिए, आप लोगों का जो आंसर है निकल जाएगा। इसमें से देखिए कैंसिल क्या होगा, 2 जीरो है मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आता है, पता है आप लोगों को। तो 2 to the power 7 अगर करेंगे तो कितना होता है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 64, 128, 128 हो गया पहला। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा आपका 64, 2 to the power 6 प्लस यहाँ पर कितना होगा 16, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 फिर आपका होगा 8 प्लस फिर होगा 4 प्लस 2 to the power 0 मतलब क्या था 1, 1 into 1, 1 फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 5, 13, 19, 23, 31, 31, 1 carry 3, 3, 4, 10, 12 carry 1, 2, 2, 1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए कैसे हम लोग बाइनरी से डेसिमल निकालते हैं, बाइनरी से डेसिमल, बार बार बोल रहे हैं बाइनरी से ये है डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजेटी इज ए, बीजेटी क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस, वेरी हाई इनपुट इंपीडेंस डिवाइस, नाना नाम था। तो बीजेटी क्या है आपका, बीजेटी है आपका करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। एक चीज आप लोग याद रखिए, बीजेटी है करंट कंट्रोल डिवाइस एंड फेट एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। बीजेटी का एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखिए, बीजेटी का जो इनपुट इंपीडेंस रहता है वो लो रहता है एंड एफईटी मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो इनपुट इंपीडेंस रहता है वो आपका हाई रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेटेरियल व्हिच मैग्नेटाइज टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज, ये क्वेश्चन है मटेरियल साइंस का, जो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक आप लोग आई होप पढ़ चुके होंगे, उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा से लैंग्वेज पढ़ लीजिए, आंसर इजीली हो जाएगा। क्या बोला, ए मटेरियल व्हिच मैग्नेटाइज टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर बोला है एक मटेरियल, ए मटेरियल, एक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में थोड़ा सा मैग्नेटाइज होता है, उस मटेरियल को क्या कहा जाता है, उस मटेरियल को कहा जाता है डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज आप लोग याद रखिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मतलब जो मैग्नेट रहता है उस मैग्नेट को फीबली और वीकली क्या करता है, रिपेल करता है। डायमैग्नेटिक जो रहता है वो रिपेल करता है, और डायमैग्नेटिक का कुछ एग्जाम्पल क्या क्या होता है, कॉपर होता है, लेड होता है, फिर आपका सिल्वर होता है, ये होता है गोल्ड होता है, ये होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल। और एक चीज आप लोग याद रखे, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं इजीली, पीडीएफ, जैसे आप लोग पीडीएफ मांगते हैं हर टाइम, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं पीडीएफ, पी फॉर होता है पैरामैग्नेटिक, डी फॉर डायमैग्नेटिक, एफ फॉर फेरोमैग्नेटिक। तो पी में क्या होता है, पी में होता है आपका जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है फीबली अट्रैक्ट, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, फीबली अट्रैक्ट, ठीक है। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक में क्या होता है, फीबली और वीकली, डायमैग्नेटिक में होता है फीबली और वीकली रिपेल, ठीक है। और फेरो मैग्नेटिक में क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट। तो क्या होता है, समझ में आ गया आई होप आप लोगों को। तो डायमैग्नेटिक यहाँ पर वीक बोला है, तो डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक क्या होगा आपका, वीकली रिपेल। और एक चीज बता देते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 होता है, डायमैग्नेटिक में लेस देन 1 होता है, एंड फेरोमैग्नेटिक में वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। वेरी वेरी मतलब म्यू आर एसएम, वेरी वेरी मतलब म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो पीडीएफ का जो नॉर्मल, ये जो पीडीएफ एक नॉर्मल फॉर्मूला है, आप लोग याद रख सकते हैं, इजीली आप लोग को एग्जाम में समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर द टू मेन इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन हाउ Easily charge can move through them, मतलब इसमें से कौन सा दो मेन इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें से चार्ज इजिली फ्लो कर सकता है, मतलब मूव कर सकता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन उसमें चार्ज भी इजिली फ्लो कर सकता है, और कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये भी एक मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम रिस्पेक्टिवली फॉर ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल आर। हम बार बार बता चुके हैं, जो मटेरियल साइंस का पार्ट है डीएफसीएल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट 20 डेज स्ट्रेटेजी का वीडियो हम दिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो भी आप लोग जाके देखिए, ऊपर हम डिटेल्स बता दिए हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए कैसे बनना है कैसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पर और एक लिंक दे देंगे हम मटेरियल सिस्टम का, जो FCC, BCC, सिंपल क्यूबिक, फिर डायमंड का या हेक्सागोनल जितना भी शेप होता है, सब शेप का जितना भी
कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, फिर आपका एटॉमिक नंबर यूनिट पर सेल होता है, फिर आपका जो एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी तो सब दिया हुआ है। 7 या 8 मिनट का वीडियो है, तो आप लोग जाके जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन करिएगा तो इजी होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए एटॉमिक पर यूनिट सेल एफसीसी का कितना होता है, 4, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 12, ठीक है। और इसके जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है 74%। ऐसे करके जितना भी है, मतलब सिंपल क्यूबिक, फिर आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फिर ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फिर हेक्सागोनल, सबका ही दिया है। तो देखिए अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का देखेंगे तो मेरा पहले देखेंगे सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक का रहता है 52% एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ये एपीएफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। पहले हम क्या बोले, पहले हम बोले सिंपल क्यूबिक, दूसरा क्या, दूसरा आपका बीसीसी, पहले सिंपल क्यूबिक, फिर आपका बीसीसी, ये आपका ये है एफसीसी। तो बीसीसी का कितना होता है 68%, और जो हेक्सागोनल रहता है उसका भी 74% रहता है, ठीक है। तो ये जो टोटल चार्ट है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप लोग अच्छा से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक कंट्रोल का क्वेश्चन है, कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए इफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर दिया है, क्या फंक्शन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो कन्वर्शन है, मतलब ओपन लूप से क्लोज लूप एंड क्लोज लूप से ओपन लूप कैसे होता है, वो हम एक ट्रिक्स भी बता दिए थे। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, प्लस या माइनस, नेगेटिव के लिए प्लस होता है, नेगेटिव फीडबैक के लिए क्या होता है प्लस, कब प्लस होता है कब माइनस होता है, वो भी हम बता दिए थे। तो देखिए अभी फिलहाल क्वेश्चन है आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपका दिया है s+6 अपॉन a² + 9s+4, a² + 9s+4, ठीक है। ये है आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विद यूनिटी फीडबैक, जो फीडबैक सिस्टम आता है, फीडबैक यहाँ पर क्या है, यूनिटी फीडबैक, यूएफबी, यूनिटी फीडबैक मतलब h मतलब कुछ नहीं, 1, h=1, ठीक है, यूनिटी फीडबैक। सो फाइंड क्लोज लूप डीसी गेन, क्लोज लूप डीसी गेन, डीसी गेन मतलब क्या होता है, आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं s=0 होगा, लेकिन कब s=0 होगा, जब आप लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद अभी आप लोग जीरो बैठा देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो क्या वो पूछा है यहाँ पर, क्लोज लूप डीसी गेन, इसीलिए हम बोल रहे हैं ओपन लूप ये दिया है, ओपन लूप से क्लोज लूप करिए, उसका बाद जो डीसी गेन होता है वो आप लोग निकालिए। तो देखिए कैसे होगा ये, हम तो पहले बता चुके हैं, पहले अगर मतलब यहाँ पर कोई फीडबैक सिस्टम अगर नहीं दिया है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ फीडबैक नहीं दिया है, तो हम लोग क्या मानते हैं, ऑलवेज मानते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में ओपन लूप से अगर क्लोज लूप करते हैं, ओपन लूप से अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन करते हैं, तो क्या होता है, न्यूमिरेटर, इसको अगर कहा जाता है न्यूमिरेटर, इसको डिनोमिनेटर, तो क्या होता है, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस होता है। जब ओपन लूप से क्लोज लूप करेंगे फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम तब यहाँ पर प्लस होगा, जब क्लोज लूप से ओपन लूप करेंगे फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम तब यहाँ पर माइनस होगा। माइनस वाला हम पहले एक वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग नहीं देखा तो जरूर आप लोग देख लीजिए, फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ये आप लोग याद रखिए। कुछ अगर नहीं बोला रहेगा तो ऑलवेज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ही होगा, अगर कुछ अगर यहाँ पर बोल देता पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम तब यहाँ पर उल्टा हो जाता, तो d+n(h) होता है। एच क्या है, एच तो 1 होगा क्योंकि यूनिटी फीडबैक, तो न्यूमिरेटर क्या है s+6, डिनोमिनेटर क्या है a² + 9s+4 प्लस क्या होगा न्यूमिरेटर, फिर क्या है s+6। यहां से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, s+6 / a² + 10s + 4 = 6, 10, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, लेकिन अभी तक भी जो आपका न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बोला क्लोज लूप डीसी गेन, तब हम लोग जब क्लोज लूप डीसी गेन होता है तब क्या करते हैं हम लोग s = 0 बैठाते हैं। तो इस जो इक्वेशन, इसमें अगर s = 0 बैठाते हैं तो क्या होगा, ऊपर में देखिए 6 / s बैठा देंगे तो 0 कुछ नहीं, यहाँ पर s 0 बैठा देंगे तो 0 × 10 = 0, यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 6/10 = 0.6 आपका आंसर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन आता है तो जरूर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन है हम कराते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन क्या है, देखिए एक सर्किट डायग्राम है, तो डायग्राम में क्या पूछा है, फाइंड ट्रांसफर फंक्शन, मतलब ट्रांसफर फंक्शन, ये जो डायग्राम का है, ये डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन आप लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन, देखिए जब इस टाइप का सर्किट का जब ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए बोलता है, तब जो जितना भी मेरा
मतलब वोल्टेज है या रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस या आपका इंडक्टेंस रहता है, उसको हम लोग एस डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर वी आई को एस डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा, वी आई एस मतलब वी इनपुट और आउटपुट को कर लेंगे तो वी आउटपुट एस, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस को करेंगे तो रेजिस्टेंस ही रहता है, और अगर कैपेसिटेंस को करेंगे तो क्या होगा, एक सी इक्वल्स टू वन बाय जे ओमेगा सी। एस डोमेन में क्या होता है, आई होप आप लोगों को पता है, एस इक्वल टू जे ओमेगा। और एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है आपका जे इंटू ओमेगा इंटू एल। तो अगर यहाँ पर हम लोग बैठा देते जे ओमेगा का जाएगा सी, तो ये एस डोमेन में आ गया वन बाई एस सी। एक्स सी का वैल्यू आ गया वन बाई एस सी, एंड एक्सएल का वैल्यू आ गया आपका ओनली एस एल, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या निकालना है आप लोगों को, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन हम पहले भी बता चुके हैं, जब सिग्नल फ्लो ग्राफ आता है तब सी अपन आर मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट क्या है, वी आउटपुट डिवाइडेड बाई वी इनपुट हम लोग करेंगे, निकालेंगे वी आउटपुट डिवाइडेड बाई वी इनपुट। लेकिन कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो वी आउटपुट है, ये वी आउटपुट जो वोल्टेज है ये किसके अक्रॉस है, ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो हम लोग वोल्टेज निकालेंगे वही मेरा हो जाएगा वी आउटपुट। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से अगर कोई वोल्टेज जा रहा है तो यहाँ पर अगर डिविजन होगा तो कैसे क्या यूज करके हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, वोल्टेज डिविजन रूल। अगर वीडीएल यूज करते हैं तो क्या होगा, देखिए वोल्टेज डिविजन रूल क्या निकालना है, किसका, वी आउटपुट का। तो वी आउटपुट का निकालना, तो टोटल मतलब इनपुट वोल्टेज कितना है, वी आई इनटू किसके अक्रॉस निकालना है, निकालना है इसके अक्रॉस। जब आपका करंट डिविजन रूल होता है तब आपका जिसके अक्रॉस निकालना है उसका ऑपोजिट होता है, हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज डिविजन में जिसके अक्रॉस निकालना होता है उसी को ऊपर में लिखा जाता है। तो उसी को ऊपर में अगर लिखा जाए तो क्या होगा, ये इसको हम क्या एस डोमेन में कन्वर्ट कर लिए, मतलब वन बाई एस सी डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये एस डोमेन में ये प्लस आर, मतलब वन बाई एस सी प्लस आर, ठीक है। तो ये आपका आ गया वी आउटपुट, वी आउटपुट इक्वल्स टू वी इनपुट इनटू ये आ गया। तो क्या निकालना है, वी आउटपुट इक्वल्स टू वी इनपुट। तो इनपुट को अगर इधर कर देंगे तो क्या होगा, वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट। तो अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो नॉर्मली अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आता है, देखिए वन बाई एस सी डिवाइडेड बाय एस सी, अगर एलसीएम जाएगा तो क्या होगा, वन प्लस आर, मतलब यहाँ पर कितना होगा, वन प्लस आर CS, RCS, ये CS भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपका, CS, CS काट गया तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 plus RCS, इसका आंसर हो जाएगा 1 by 1 plus RCS, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए तो कैसे ये इस टाइप का जितना भी डायग्राम देता है कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक चॉपर, चॉपर से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चॉपर्स डू द वोल्टेज एंड करंट रिमेन नेगेटिव। कौन सा चॉपर में, मतलब चॉपर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपर रहता है, टाइप ए, टाइप बी, सी, डी, ई, ये जो जितना भी चॉपर है इसमें कौन सा चॉपर का वोल्टेज एंड करंट दोनों ही नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर है, इसका आंसर से हम पहले बता देते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, पांच जितना भी चॉपर है उस चॉपर का वोल्टेज एंड करंट कितना होता है। तो देखिए जितना भी टाइप रहता है, टाइप यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, टाइप यहाँ पर होगा वोल्टेज, यहाँ पर होगा करंट, ठीक है। टाइप होता है आपका चॉपर का ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। तो टाइप ए चॉपर में, टाइप ए चॉपर में वोल्टेज क्या होता है आपका, पॉजिटिव, करंट क्या होता है आपका, पॉजिटिव, ठीक है। टाइप बी में क्या होता है, वोल्टेज आपका पॉजिटिव, करंट आपका होता है नेगेटिव। टाइप सी में क्या होता है, वोल्टेज आपका होता है पॉजिटिव, करंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। टाइप डी में क्या होता है, टाइप डी में आपका वोल्टेज पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। एंड टाइप डी में करंट आपका रहता है पॉजिटिव। टाइप ई में क्या होता है, नेगेटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, टाइप डी में आपका जो एवरेज वोल्टेज रहता है जब चॉपर ऑन रहता है, मतलब ऑफ टाइम से भी ज्यादा ऑन रहता है चॉपर, तब आपका एवरेज वोल्टेज रहता है पॉजिटिव, एंड जब ऑफ रहता है तब आपका रहता है नेगेटिव, एंड जो उसका करंट रहता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो चार्ट है आप लोग इजिली याद कर सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन आता है एंड आएगा भी डीएफसीसीएल में, तो जरूर आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो ये यही था आज का, जो जितना भी क्वेश्चन, मैक्सिमम आपका मटेरियल साइंस, कंट्रोल सिस्टम, सर्किट, इसी का क्वेश्चन था। मशीन का क्वेश्चन नहीं लाए हैं हम, क्योंकि मशीन तो मैक्सिमम करता है, तो ये जो टॉपिक से हम ज्यादातर क्वेश्चन लाने का ट्राई करेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता। 30
30 सितंबर एग्जाम है, उससे पहले मतलब 29 तारीख तक हम ट्राई करेंगे जितना भी वीडियो हम डाल सके, ठीक है। और आप लोग जरूर, आप लोग ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये जितना भी कैंडिडेट देख रहे हैं, आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट देख पाए एंड सबका हेल्प हो पाए, ठीक है। और आप लोग एक एक काम कीजिए, अभी तक भी अगर आप लोग 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या तो EEMCQ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उससे पहले एक काम कीजिए आप लोग, DFCCIL PYQ की PYQ एक मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आता है वो भी आप लोग देख लीजिए। 7 या 8 वीडियो है, सब अलग अलग से है, सर्किट मशीन सब अलग अलग से है, आप लोग जाके वो पहले देखिए, फिर ये 5 वीडियो एंड आज का वीडियो आप लोग देखिए एंड कंटिन्यू करते जाइए, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, एंड कुछ प्रॉब्लम है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर पर्सनली कुछ बात करना है तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, लर्न विद प्रणोय मेरा आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आप लोग बात कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा जो एक दूसरा चैनल है लर्न विद प्रणोय, उसको भी आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें नॉन टेक पार्ट हम कराते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा इस वीडियो को तो जरूर आप लोग लाइक एक दीजिएगा। एंड एक चीज बता देते हैं, जो कल एग्जाम है 12 तारीख को HURL नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए, तो वो एग्जाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड अच्छा से एग्जाम दीजिए। आपका जो फोकस एंड कंसंट्रेशन क्या रहेगा, आपका जो स्किल रहेगा कंप्यूटर का, उसी के ऊपर बाहर का क्या हो रहा नहीं हो रहा आप लोग कुछ नहीं सोचिएगा, ठीक है। तो अच्छा से आप लोग एग्जाम दीजिए, पॉजिटिव रहिए, एंड पॉजिटिव रहना है तब आपका क्वालिफाई होगा। अगर इस एग्जाम में नहीं होगा तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, DFCCIL है, PGCIL है, NHPC है, मॉयल इंडिया है, फिर आपका SSC JEE आएगा, फिर और कितना भी वैकेंसी आएगा, UPPCL, यूपी अर्बिनल शायद है, UPPCL JEE हो चुका है, तो कोई बात नहीं, प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए, डिटर्मिनेशन आपका अंदर होना चाहिए, तब आपका कुछ काम में आप लोग सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय, एंड चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।